हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल GSM। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं, भाई आप इंटरसिटी क्यों नहीं मारते हो? तो इसका बहुत सारा रीजन है। मैं इंटरसिटी कभी गया नहीं, तो इसलिए कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो सोच रहा हूँ मारू। आज मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था, पीछे एक गाड़ी एक्सीडेंट भी हुआ है, एक औरा को भाई एक ट्रक ने ठोक दिया, तो मचमच चालू है। और वहीं बाजू में एक भाई साहब वैगनार, क्या नाम है भाई साहब आपका? राजू यादव। तो ये राजू यादव भाई साहब वैगनार नई वाली लेके खड़े थे वहां पे, तो वहीं पे झुंड में इनसे भी बातें करने लगा मैं। तो क्या क्या बातें करने लगा भाई साहब से मैं पूछा, तो भाई साहब ने कहा, भाई मैं लोकल मारता ही नहीं, इंटरसिटी खाली करता हूँ। तो इनसे चलिए कुछ बातें करते हैं। तो यार, आप वैगनार किसकी है? आपका है कि खुद नहीं? का खुद का नहीं, सेठ का गाड़ी है। तो मतलब आपको क्या हिसाब से आपको मिलता है? 800 रुपया रोज का देते हैं, लीज पे गाड़ी ली है। मतलब सेठ को 800 रुपया देते हो? लीज कहाँ से है? कहाँ की गाड़ी है ये? कांदिवली गाड़ी। कांदिवली कितनी गाड़ी है सेठ के पास? है 5-6 गाड़ी है। अच्छा, आपको 800 रुपए एक सीट में देते हो लोग? 24 घंटे का 800। अच्छा, 24 घंटे का 800 रुपए आपको देते हैं। तो आप लोकल बुकिंग मारते हो एकदम? नहीं, खाली इंटरसिटी चला। तो अभी एयरपोर्ट पे खड़े हो, आपका कितना टोकन चल रहा है दिखा दो जरा कैमरे में। टोकन हमारा है, अभी ऊबर आपका 2 बजने वाला है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। मेरा भी 40 टोकन चल रहा है। 11-15 कैमरे में दिखाइए जरा, 11 से 15। जल्दी डिटेक्ट नहीं करता क्या भाई? ये रोशनी इसकी है, लाइट थोड़ा है ना ज्यादा। हाँ, तो भाई साहब का 11 से 15 है। हाँ, कर लिया डिटेक्ट, देखो 11 से 15। हाँ, ये टोकन है, तो ऊपर इंटरसिटी लेके आप जाओगे। अच्छा, तो ये बात पूछना चाहता हूँ, अभी जैसे आपको यहाँ पे इंटरसिटी बुकिंग मिला है, तो आप यहाँ से इंटरसिटी के लिए 4-5 घंटा यहाँ इंतजार करना पड़ता है? 8-8 घंटा भी रुकना पड़ता है, 8-8 घंटा इंटरसिटी के लिए। और अगर यहाँ से रिटर्न आप बुकिंग लेके गए पूना नासिक जहाँ का भी लेके, तो वहाँ कितना रुकना पड़ता है? ये हमारे यहाँ कभी 10 मिनट, इधर कैमरे में आइए थोड़ा, कभी 10 मिनट भी रुकना पड़ेगा, कभी 2 दिन भी रुकना पड़ता है, कभी 2 घंटा भी रुकना पड़ता है पूना में। लेकिन बुकिंग लेके ही आते हैं? लेके ही आए। तो कितना आप दिन भर में कितना कमा लेते हो आप? देखिए, कमाने का कैसे है, कभी 1000 भी बच जाता है, कभी 1500 भी। मतलब आप 2 बुकिंग कर ही लेते हो अप डाउन? दो अप डाउन हो जाता है, यानी 3500 का काम हो जाता है। साढ़े 3000 2 CNG, 1000 की CNG, 1000 का CNG, तो यानी 2500 रूपए आप बचा लेते हो। 800 सेट को देते हो, 1500 रूपए का काम आप सेविंग कर लेते हो। तो इसमें आपको ना मेंटेनेंस देना है ना कुछ देना है, सब सेट का है? नहीं, मेंटेनेंस भी हमारा ही है। अच्छा, मेंटेनेंस आपका है। क्या क्या मेंटेनेंस देना पड़ता है? मेंटेनेंस में क्या, ऑयल पल्टी, डीजल फिल्टर, यही सब। कितने दिन से काम कर रहे हो आप? मैं अभी तो नया हूँ। अच्छा, मैं इसे 4 साल। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से कहाँ रहते हो आप? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सीतामढ़ी से रहते हो आप? अच्छा, सीतामढ़ी मंदिर हम लोग गए। मैं 4 साल से गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, मगर अभी जो गाड़ी है चला रहे हैं। अभी मुंबई में कितने दिन से काम कर रहे हो? मुंबई में मैं 2009 से काम कर रहा। अरे क्या बात कर रहे हो, 2009 से? 2009 भाई साहब 2009 से मुंबई में है। और ऊबर की गाड़ी किसी और की चला रहे, राजू यादव नाम है उनका। और इन्होंने जैसा बताया, इंटरसिटी बुकिंग मारते हैं सब, सिर्फ इंटरसिटी बुकिंग मारते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं, अच्छा एक बात मैं आपसे रियल पूछना चाहता हूँ, बहुत लोग ना मेरे कमेंट पे बोलते हैं कि चूतिया बना रहा ओला उबर में, काम नहीं है, कुछ नहीं है, जो आता फंस जाता है, क्या सच्चाई है? क्या ऐसा कुछ नहीं है? ये सच्चाई है, सही से बताओ, आप कैमरे के सामने एकदम रियल बताओ। अपने ऊपर है, आप चलाएंगे अच्छे से गाड़ी, टाइम पे निकालेंगे तो धंधा करेंगे। और अपन सोचेंगे कि घर से 12 बजे सो के उठू, 1 बजे गाड़ी पे जाऊंगा और फिर 6 बजे आऊंगा, बोलूंगा 3000 का। आप 8-8 घंटा यहाँ इंतजार करते रहते हो? देखिए, हम लोग 10-10 घंटा भी रुकते हैं। कल मैंने 18 घंटा गाड़ी चलाया था, आपको पता है, कल मैं विरार में 4 घंटा था, पनवेल में 4 घंटा था। आज सुबह मैं आया हूँ घर पे 3 बजे या 3:30 बजे घर पे पहुंचा हूं, और फिर से सो के उठा हूं और आ गया हूं घर पे काम पे। तो बहुत लोग बोलते हैं गाड़ी लेके फंस गया, तो भाई साहब देखो आपके सामने उदाहरण है कि भाई साहब दूसरे की वैगनार 800 की लीज पे चला रहे हैं, और ये इंटरसिटी मैं भी खड़ा था, तो भाई साहब गाड़ी नहीं मिलते हैं 800 पे भी गाड़ी नहीं मिलते हैं। लेकिन इनकी गाड़ी वैगनार खड़ी एकदम फिट है और अच्छे से काम, बोल रहे हैं अप डाउन तो हो ही जाता है। अभी एक पूना का इनका 15 चल रहा है, तो 5 बजे तक इनका एक बुकिंग, 5-6 बजे तक इनको मिल जाएगा, वहां से फिर रिटर्न बुकिंग कंफर्म मिल जाएगा। मेन वहां से शनिवार रविवार को सब बोलते हैं पूना से रिटर्न बुकिंग नहीं मिलती है, रविवार की शाम को मिलती है, लेकिन शनिवार शुक्रवार, शनिवार का थोड़ा वहाँ कम बुकिंग। अच्छा, शनिवार को यहाँ से जल्दी बुकिंग मिल जाती है? यहाँ से जल्दी मिलता है, मुंबई से जल्दी। और बीच में कुछ ट्रैफिक वगैरह कुछ जाते समय? शनिवार को और संडे को ट्रैफिक ज्यादा रहता है, वहाँ हिल पे ट्रैफिक होता है क्या? घाट पे ट्रैफिक कुछ चलाने में गाड़ी, बहुत लोग बोलते हैं पूना हिल उल पे गाड़ी चलाने में मजा, थोड़ा सा कम्फर्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं, इजी है गाड़ी, वहाँ पे आराम से लेके जा सकते हैं गाड़ी चलाने का। अच्छा, तो महीने का कितना बचा लेते हो आप? रियल एकदम बताना, सच्चाई बताओ, कितना आप निकाल, पिछले महीने आपने कितना काम किया, कितना कमा लिया? पिछले महीने तो मुझे अच्छा काम मैंने किया था, पिछले महीने मैंने 30,000 का धंधा किया था हफ्ते का।
अच्छा हफ्ते का 30,000 का काम किया आपने, मतलब 30, देखो तो बहुत भाई लोग बोलते 30,000 का धंधा किया तो ओला उबर कमीशन कितना लिया, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो 30,000 का धंधा होता है ना ऑलरेडी उबर कमीशन लेके पहले वो कमीशन काट लेता है, उसके बाद अपने वॉलेट में जो दिखाता है ना उसमें कमीशन कटा हुआ रहता है, ठीक है। जो फेयर होता है ना और भी कुछ होता है, फेयर अलग होता है, अपने को जो मिलता है पैसा वो ऐप में शो करता है फ्रेंड्स, कमीशन टैक्स सब कुछ काट के वो पूरा अपना पैसा होता है। तो 30,000 आपने हफ्ते का काम किया, तो हफ्ते में 30,000 काम किया तो 8×7=56, 5,000-6,000 रुपया सेट ने ले लिया, है ना, 2,000 रुपया मेंटेनेंस पकड़ लो, 8,000 रुपया ये हो गया, और 8,000 का फ्यूल पकड़ लो, 8×8=16,000, 30,000 का काम किया, 14,000 रुपया आपने हफ्ते में बचा लिया, 14,000-15,000 रुपया भाई ने हफ्ते में बचा लिया है। और आप बोलते हो काम नहीं, यानी 1,00,000 रुपया महीना हो गया यार, अगर हर हफ्ते ऐसा काम होता है, हर हफ्ता नहीं होता है ना, किसी हफ्ते में 15, 17, 20, 19 ऐसा भी होता है, किसी हफ्ते अगर मेंटेनेंस, अगर खुद की भाई की गाड़ी रहती तो 1,00,000 रुपया महीना कमा सकते हैं आराम से, लेकिन भाई की दूसरी की गाड़ी चला रहे 800 तो दूसरे को दे रहा है, लेकिन फिर भी भाई साहब बोलते हैं लमसम आप कितना 40-50 कितना कमा ले सकते हो, 40 के आसपास में तो कमाई, दूसरे की गाड़ी चला के 40 के आसपास कमा लेते हो। तो भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और बहुत लोगों को आप एक हौसला दे सकते हो, जो लोग ओला उबर की गाड़ी लेते हैं और बोलते हैं थक हार गए, उनके लिए कुछ कहना चाहते हो आप? कुछ नहीं, हम भी चलाए हैं, एवरेस्ट फ्लीट की गाड़ी है, हम भी चलाए हैं। अच्छा, फ्लीट की गाड़ी भी आप चला चुके हो, तो उसमें क्या मजा है, एवरेस्ट फ्लीट का बहुत बुराई सुना हूं मैं। नहीं नहीं, मैंने चलाए हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मुझे वर्ड भी मिला था, लेकिन मेहनत करने वाले को चाहिए, जो बोलते हैं कि आज नहीं काम में जाना है, बैठना है, बुकिंग पास करना है, मेरे को एक्चुअली देखा जाए ना, जितना मेरे को एवरेस्ट फ्लीट में बच रहा था उतना इसमें भी बच रहा। अरे यार आप तो बहुत ही अच्छे आदमी हो भाई साहब, राजू भाई से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही ऐसे मेहनत वाले बंदे से मिलके भाई ने अपने को थोड़ा हौसला बढ़ा हुआ है। 3,000 ड्राइवर में अवार्ड मिला, अवार्ड मिला आपको, क्या चीज का अवार्ड मिला आपको? टॉप लिस्ट में हुआ, टॉप लिस्ट में भाई साहब, टॉप लिस्ट में राजू यादव भाई साहब। अपना प्रोफाइल दिखा दो जरा एक बार भाई साहब, उबर का प्रोफाइल भी देख लो भाई, भरोसा नहीं, उबर उबर ओपन करके दिखाइए, रेटिंग वगैरह दिखाइए जरा, ये दिखाइए जरा, अरे यार अच्छा है, 4.88 है, ठीक है। तो भाई साहब दिखा रहे अपना प्रोफाइल भी देख लो भाई, तो बोलोगे भाई उबर के ड्राइवर है कि नहीं है? नहीं नहीं, ये नहीं देखना आपका, आपका आईडी बस बस बस, राजू संभूर राय, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से लाइट बंद करना पड़ेगा, देख लो ये हो गया राजू भाई, 4.88 का रेट है, 0 कैंसिलेशन है आपका। यस। अरे मेरे भाई, भाई साहब 3.5 साल से 2675 बुकिंग कर चुके हैं, इंटरसिटी करते हैं ये ज्यादातर, और 0 कैंसिलेशन है भाई, मानना पड़ेगा भाई साहब, हौसला हो तो ऐसा। तो चलिए जनता, मैं भी एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और बुकिंग का इंतजार करता हूँ, बुकिंग तो आई नहीं, 2:00 चले गया, अब एक गंदा फेयर वाला बुकिंग लेके जाना पड़ेगा। तो जो भी है भाई से मिलके अच्छा लगा, और आप लोग के लिए भी जो भी नेगेटिव सोच है उसको निकालो और पॉजिटिव सोच रखो, मेहनत करो, काम करो, बुकिंग है, कमाई है, वरना इसी रोड पे गाड़ियां रोज 1,000-2,000 गाड़ियां मारुति रोज नहीं बेच लेता भाई साहब, टूर मॉडल खाली, टैक्सी मॉडल, ठीक है। काम भी है, बढ़िया भी है, करने वाला चाहिए, जो नेगेटिव लोगों की आप बातें मत सुना करो, आपको डराने धमकाने वालों को, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा काम है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है काम, तो उसका टेंशन नहीं लेगा, लेकिन फंसता नहीं कोई, कमा के तो जाता ही है फ्रेंड्स, कमा के जाता ही है, बोम बाम जनता बोलते। और भाई साहब कुछ कहना चाहोगे? मैं चलिए भाई साहब, बाय बाय, थोड़ा शर्मीले भाई साहब, कैमरे के सामने कभी आए नहीं है इसलिए बोल रहे भाई मैं कैमरे के सामने हूँ। हाँ बोला आओगे तो कैमरे के सामने भाई आए हैं, तो भाई के लिए एक लाइक तो बनता ही है यार, जनता क्या बोलती पब्लिक, बूम बाम। तो राजू भाई का अपन प्रोफाइल भी देख लेते हैं भाई साहब पहले, तो राजू भाई का ये तो एवरेज फ्लीट वाला है, 6 दिन में 25,000। जरा नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, इस साइड इधर से करोगे कि इधर से दिखाओगे? 21,000 देखो फ्रेंड्स, काम देखो 6 दिन में, 20,000 7 दिन में, एवरेज फ्लीट वाला है सब। अच्छा पहले एवरेज फ्लीट की चलाते थे तो इसी तरह से काम करते थे डायरेक्ट, ये 13,000 पूरा दिखाता हूँ फ्रेंड्स सब इनका, किधर से आएगा? नहीं इधर से आगे का आएगा ना, हाँ मतलब अभी जो ताजा ताजा है ये दिखाता हूँ। तो इसी तरह से आप काम करते हो, 5 दिन का 16,000, ये ऊबर का दिखा रहा हूँ मैं आपको, ओला तो बाकी है अभी भाई साहब का, देखो काम कौन बोलता है नहीं है, देखो 17,000 5-6 दिन में काम किया भाई साहब ने, और भी दिखाता हूँ आपको काम, 17,000 6 दिन में, देखो लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ मैं आपको, कोई भी इसमें चूतिया बनाने वाला काम नहीं है, देखो ये देखो। तो इसी तरह से इनका काम है भाई साहब, बहुत अच्छा काम कर रही है, काम तो फंस गया, 2 दिन में 5,000-5,500, तो इसी तरह से भाई साहब ने काम किया हुआ है, और 15,000 3 दिन में, 16,000 3 दिन में देख लो आपके सामने,
का काम है, ओला में भी इसी तरह से काम है। ओला में भी इसी तरह से अच्छा है, उबर से भी थोड़ा अच्छा, इससे भी अच्छा ओला में, ओला भी दिखाएंगे क्या? ओला का अच्छा ओला भी दिखाओ तरह देखते हैं। राजू भाई से मिलके अच्छा लगा, तो मैंने इनका प्रोफाइल भी दिखाया, ओला उबर, ओला में भी अच्छा काम कर रहे हैं, उबर में भी काम कर रहे हैं। तो दोनों, अभी पुलिस वाला आ गया था, पीछे गाड़ी पार खड़ी थी ना, तो अपन चेक कर रहे थे, ओला वाला पुलिस वाला आ गया, इसलिए फटाफट भाग गए। तो अभी पता नहीं है खड़ा है चले गया, तो फटाक से भाई साहब वीडियो शूट किया, पहले जाएं गाड़ी वहाँ से हटाते हैं। यही एयरपोर्ट में दिक्कत है, पार्किंग का इशू बहुत है, पुलिस वाला आना जाना रहता। तो भाई साहब काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब, ऊबर फ्लीट का काम किए। उसके बाद अभी ये सेट का, ये सेट का कितने दिन से गाड़ी लिया हुआ? अच्छा ये 1.5 महीने से लिया हुआ, उसके पहले फ्लीट का गाड़ी चला रहे थे आप? बहुत बढ़िया भाई, आपके मिलकर बहुत खुशी हुई जनता। बाय बाय फ्रेंड्स।